साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो रही है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ तीनों कैदियों को अडयाला जेल छोड़ने जाएंगे। बहालत मजबूरी, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सकूंगा। बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल पूरे खानदान के लिए किसी धचके से कम नहीं। शहबाज शरीफ की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जाती-उम्रा में फजा सोगवार ताजियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जाती-उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के साले सवाब के लिए फातह खानी की गई। मेरी बैरक वाले सारे कमरे खाली रहते हैं, अमली तौर पर कैदे तन्हाई में हूँ। साबिक वजीर आजम ने आसिफ जरदारी को आप बीती सुनाई। साबिक सदर ने कहा, जेल में था, वालदा बीमार थी, पेरोल मिल रहा था लेकिन नहीं लिया। बहन के कहने पर बाद में पेरोल लिया। आखिरी मुलाकात में वालदा की आंख से टपका आंसू आज भी तकलीफ देता है। आसिफ जरदारी आप दीदा हो गए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की भी जाती-उम्रा आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के लिए फातह खानी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, कुलसूम नवाज की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल चोरों की जाती-उम्रा आमद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आहलिया कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की बेगम कुलसूम नवाज की खबर पर भी हाजिरी। फातह खानी, चीनी कौंसल जनरल की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की रस्म कुल जाती-उम्रा और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ, शरीफ फैमिली के अफराद और अहम रहनुमाओं की शिरकत। तिलावत कुरान पाक और नात खानी का अहतमाम। रिक़त आमेज़ मनाज़िर। बेगम कुलसूम नवाज के साले सवाब के लिए दुआ कराई गई। राणा तनवीर हुसैन का नवाज शरीफ की पेरोल में तौसी का मुतालिबा। बोले, नवाज शरीफ को झूठे केस में सजा हुई, रिहाई होनी चाहिए। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि नवाज शरीफ के पेरोल से मुतालिक फैसला शरीफ खानदान ने करना है। कुलसूम नवाज के जनाजे में पूरे पाकिस्तान से लोग आए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के ऐलान पर गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोला गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने गवर्नर हाउस की खूब सैर की। तारीखी सफेद इमारत, खूबसूरत झील, आबशार और चिड़ियाघर से महसूस होते रहे। दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी करार। गवर्नर हाउस देखे, झील है और बहुत सारे परिंदे, जू है कम्प्लीट यहाँ पर, और माशाल्लाह से लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और एक अच्छी काविश है। पहली दफ़ा अच्छी हुकूमत आई है, इन्होंने पाकिस्तानी आवाम के लिए ये जो गवर्नर हाउस है इनको खोल दिया है ताकि आवाम इनको देख सके। बहुत अच्छा किया इमरान खान ने, बहुत हम सोच भी नहीं थे सकते कि हम इधर आएँगे। अभी बड़ी ख्वाहिश थी कभी अच्छा। देखिए अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, चलो इमरान खान ने आके दहाता लोगों को, बड़ी खुशी थी। गल यहाँ पे झील देखी है, पहाड़ी है और सीरिंग एरिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। गवर्नर हाउस बहुत अच्छा है, इधर बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। गवर्नर हाउस पर खर्च होने वाले पैसे आवाम पर खर्च करेंगे। आइंदा बजट में गवर्नर हाउस के अखराजात खत्म करेंगे। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल की गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दौरे गुलामी की यादगार को आवाम के लिए खोल दिया। सूबाई वजीर महमूद रशीद की गुफ्तगू।
कुदरती पानी के इस्तेमाल पर हर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। पानी की बंदरबांट पर अफसोस है, अगर यही सूरत हाल रही तो हमारे बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मिनरल वाटर फरोख करने वाली कंपनियों से मुतालिक अस्पोद नोटिस की समाअत। बड़ी मिनरल वाटर कंपनियों के पानी के नमूने चेक करवाने का हुक्म। कंपनियों की जानिब से ऑडिट के लिए 1 माह की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का निजी अस्पतालों को 15 रोज में रेड लिस्टों पर नजरसानी करने का हुक्म। नजरसानी करके रिपोर्ट पेश की जाए वरना अदालत फैसला करेगी। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज, पार्किंग की अदम दस्तियाबी पर तश्वीश। गैर कानूनी अस्पतालों की तामीर पर बरहमी का इजहार। किसी को मादर पिदर आजादी नहीं दे सकते चीफ जस्टिस साकिब निसार। पैसे जरूर कमाएं मगर अस्पताल लोगों के कपड़े ना उतारे। लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो अस्पताल बंद कर दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बिलबोर्ड्स के खिलाफ केस की समाअत। आप फिक्र ना करें, जस्टिस अली अकबर कुरैशी के हुक्म पर काफी बोर्ड उतर चुके। पहले लाहौर हाई कोर्ट के देख लें फिर इस पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरखास्त पर रिमार्क्स। DGLDA को हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने निजी और सरकारी तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल पर अस्खुद नोटिस ले लिया। CCPO और एंटी नारकोटिक्स हुक्काम से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को मंशियात बासानी दस्तयाब है। रोशन मुस्तकबिल के लिए मंशियात माफिया पर काबू पाना होगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान का डैम फंड के लिए अतिया। इरशाद हसन खान ने 4 लाख रुपए का चेक चीफ जस्टिस साकिब निसार को दिया। एक तो घी वाली ऊपर से दो दो बीसीओ वाला अफसरान दो दो आलिशान बंगलों में मुकीम। 7 कमिश्नर्स 27 डिप्टी कमिश्नर्स ब्यूरोक्रेट्स पुलिस अफसरान समेत 74 के पास बैक वक्त दो दो बंगले। SNGAD वेलफेयर इंक से मिलने वाली होशुबा मालूमात। कई अफसर ओहदों के बगैर लाहौर के बंगलों पर काबिज। सालाना 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च। अफसर शाही ने शाही पॉलिसियां हुकूमत से मंजूर करा रखी हैं। कसूर शेखुपुरा उकाड़ा गुजरावाला और गुजरात के DCs की लाहौर में भी रिहाइश गाह हैं। नारोवाल हाफसाबाद जेहलम और अटक समेत कई दीगर इस्लाम में तैनात। DCs लाहौर के बंगलों पर काबिज। कमिश्नर गुजरावाला बहावलपुर मुल्तान डेरा गाजी खान साहिवाल भी डबल रिहाइश गाहों के मालिक। साहिवाल गुजरावाला के RPOs कई DPOs की ड्यूटी कहीं और, इजाफी बंगला लाहौर में। खजाने पर बोझ बढ़ है। SNGAD वेलफेयरिंग के हुक्काम डबल रिहायशगाहों के मालिक अफसरान का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया। जाली डिग्री का इल्जाम। MS पंजाब डेंटल अस्पताल के खिलाफ इंक्वायरी 2 माह में भी मुकम्मल ना हो सकी। हाई कोर्ट ने इंक्वायरी के अहकाम दिए थे। मेरिट के रास्ते में किसी को आड़े नहीं आने देंगे। तहकीकाती रिपोर्ट में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सुबाई वजी डॉक्टर यास्मीन राशि। शहर में जिमनी इंतखाबात का मारका, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। N124 में मुस्लिम इग्नून के रहनुमा शाहिद काका नबासी शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के गुलाम मोहियुद्दीन दीवान को बल्ला। पीपल्स पार्टी के शहबाज महमूद भट्टी को तीर का निशान अलॉट। PP 164 में लीगी रहनुमा सुहेल चौकत भट्ट को शेर। तरीके इंसाफ के यूसुफ अली को बल्ला। पीपल्स पार्टी के ताहिर मजीद को तीर का निशान मिल गया।
यानी 131 का इलेक्शन मुश्किल जरूर है मगर कारकुनों की हिमायत से नशिस्त जीत कर वजीर आजम को तोहफा देंगे। तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान का निषाद कॉलोनी में MNA डॉक्टर सिमी बुखारी के एजाज में जोहराने से खिताब, जबकि तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात की। NA 124 से PTI उम्मीदवार गुलाम मोहियुद्दीन की गवाल मंडी में डोर टू डोर मुहिम, अवाम में पार्टी का मंशूर तकसीम किया जबकि मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के इंतजामात का जायजा लिया और जुलजनाह के जुलूस की कयादत की, अजादारों को शरबत भी पिलाया। हमारी अदालतों में इंसाफ और शरीयत का निजाम नहीं, हमारी मुआशरत की बुनियाद सूद और झूठ है, आज गरीब को इसकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। हर इलेक्शन के बाद आवाम मायूस हो जाते हैं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब, कहते हैं 70 साल के सफर में हमने पाकिस्तान का जोग्राफिया जाया कर दिया। SPs के नाम PSP कैडर में शामिल करने के लिए विफाक को इस साल फहरिस्त IG पंजाब की जानिब से भिजवाई गई, अफसरों की पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह की जा सकती है। फैक्ट्री एरिया के इलाके मस्तकबाल रोड पर नशे में धुत शख्स की अंधाधुन फायरिंग की जद में आकर 3 बच्चों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जख्मी अफराद जेरे इलाज, एक बच्चे की हालत तश्वीशनाक, पुलिस ने मुलजिम आमिर को गिरफ्तार कर लिया। रोटी लेने आए तशद्दुद पर उतर आए, नेशनल टाउन में तनूर के मुलाजिम पर 5 अफराद का जालिमाना तशद्दुद, रोटियां रखने वाला टोकरा, रोटी निकालने वाली सीख, कुर्सियां जो हाथ आया दे मारा, तोड़फोड़ और तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुलजिमों का गुस्सा ठंडा ना हुआ तो फोन करके मजीद साथी भी बुला लिए, लोहे की रॉड मारकर नॉन शॉप के मुलाजिम शफकत की आंख फोड़ दी, थाना सांदा की हदूद के वाके का मुकदमा दर्ज ना हो सका, मुलजिम 5 रोज से आजाद घूम रहे हैं। थाना टाउनशिप में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नामी दोनों भाई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज, मुकदमे में दोनों मुलजिमों के वालिद मोहम्मद शरीफ को भी नामजद किया गया। मकबरा ज़ेबुन्निसा मुल्तान रोड पर कब्जा माफिया का राज, मकबरे में गैर कानूनी तामीरात कायम, इंतजामिया खामोश, 3 साल से मकबरे की तज़ीन आराइश का काम मुकम्मल ना हो सका। पाक चाइना बिजनेस फोरम एंड इंडस्ट्रियल एक्सपो का आखिरी रोज मुख्तलिफ कंपनियों ने 300 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए। छुट्टी के रोज चिड़ियाघर में भी शहरियों का हल्ला गुल्ला, बच्चों की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई बंदरों की शरारतों से महसूस हुआ। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान बट मुसलसल नजरअंदाज करने पर PCB सेलेक्टर से नाराज, कहते हैं मेरा काम परफॉर्म करना है जो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा, टीम में मुंतखब करना या ना करना सिलेक्शन कमेटी का काम है, मुझे वाजे तौर पर नहीं बताया जा रहा। और एशिया कप में हर खिलाड़ी की मुनफरद नजर आने की ख्वाहिश, हसन अली, शादाब, शुएब मलिक और दीगर खिलाड़ियों के नए हेयर स्टाइल, तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी, दिलचस्प जुमलों का तबादला।